अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में हमेशा खुशआबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं कीमे की कचौरी बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करती हूँ। नमक डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। ये 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है। इसको पानी से, सादे पानी से हम मिला लेंगे। डो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होगा ना बहुत ज़्यादा सख्त होगा, दरमियाना डो होगा। थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको गून के, अच्छी तरह से मिक्स करके गून के तेल लगा के रख देंगे। तेल लेंगे थोड़ा सा, इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। इसको ढाक के कम से कम 30 मिनट के लिए हम रख देंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। ये 250 ग्राम कीमा है मेरे पास बीफ का, इसको मैं चढ़ा रही हूँ। इसको पानी डाल के बस चढ़ा देंगे ना गलने के लिए। मसाले डाल के, अभी मसाले में डालती हूँ, इसमें मसाले डालती हूँ। क्या डालूंगी, भुना कुटा हुआ मैं 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक डाल दिया और धनिया मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर कर। कुटी मिर्च भी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। लेवल करके डालूंगी, अगर बहुत फुल डालूंगी तो तेज़ हो जाएगा क्योंकि कीमा कम है ना। और इसमें अदरक लहसुन डालूंगी मैं 1.5 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह मैं मिक्स करके इसको गलने के लिए चढ़ा दूंगी। ढाप देंगे इसको। ये देखिए पानी खुश हो गया और कीमा भी बिल्कुल गल गया। अब इसमें बस मैं सिर्फ हरा धनिया हरी मिर्च डालूंगी। अच्छी तरह से मैं भून लूंगी। नमक मैं चख लेती हूँ। हाँ बिल्कुल सही है नमक, मिर्ची भी सही है मेरे हिसाब से। तो आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें। बस इसको मैं ठंडा करूँगी। हरी मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च डालूंगी। 2 हरी मिर्चें ली है मैंने छोटी। बस ये तैयार है, हम कचौरी में भरेंगे ना। अब मैं थर्ड स्टेप बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए मैंने पेड़ा ले लिया इसका कचौरी बनाने के लिए। इसको रखूँगी मैं पहले, इसको पूरी की तरह बेल लेंगे। ये लई जो मैंने बनाई है इसमें 2 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून मैदा है। लई लेके इसको हाथ से अच्छी तरह से लगा दूंगी। अच्छी तरह चारों तरफ लगाइएगा। फिर इसके बाद हम 3 फोल्ड करेंगे इसके। ये 1 फोल्ड किया हमने, अब ये हमने 1 और फोल्ड किया, 2 फोल्ड कर दिए। इसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्की सी लई लगाएंगे, को फिर फोल्ड करेंगे। बस इस तरह हम सारे पेड़े बना लेंगे इसी टेक्निक से। देखिए ये जो हमने बनाया पेड़ा, इसको हम हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा फैला देंगे ताकि इसमें हम कीमा डाल सकें। जो कीमा बनाया था हमने वो डालेंगे बीच में।
फिर इसका ये कोना पकड़ेंगे, इसके साथ मिलाएंगे, फिर इधर से इसको मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको एक पोटली से बना लेंगे। अब इसको हल्के हाथ से इसको दबा देंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे बस। ये देखें ना, इसी तरह हम सब को कर लेंगे। तेल गर्म हो गया, इसको हम दरमियानी आंच पे डीप फ्राई करेंगे। दाल की कचौरी तो मैंने बनाई है काफी टाइम, कीमे की मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ये दरमियानी आंच पे हम पकाएंगे ना। इसको मैं पलटा रही हूँ। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, अच्छी गोल्डन हो गई, देखिए फूल भी गई अच्छी। टिश्यू में निकालूंगी इसको, मैं प्लेट में टिश्यू रख के इसमें निकालूंगी। देखिए मैं बताती हूँ कैसी बनी है, काफ़ी खस्ता बनी है। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखो माशाल्लाह बहुत खस्ता बनी है और बहुत लजीज है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।